अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा अली और मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो लेकर। आज का टॉपिक है बीबी क्रीम, जो कि एक लाइट मेकअप वेयर है जो हम रोज़ जो है ना वो लगा सकते हैं, क्योंकि हम रोज़ हैवी बेस और स्टिक्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। वैसे भी बरसात का मौसम है, तो सुबह के टाइम जब हमने अगर पार्टी हो, सुबह के टाइम की पार्टी वगैरह हो या कोई लाइट फंक्शन हो, तो हम उसमें बीबी क्रीम जो है ना वो ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे बीबी क्रीम। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एलोवेरा, इसमें डालेंगे हम एक टीस्पून जो है ना वो एलोवेरा यूज़ करेंगे, ताकि ये आपकी स्किन के लिए जो है ना वो बेनिफिट्स भी दे आपकी स्किन को, ये मेकअप जो बीबी क्रीम है। उसके बाद हमने डालना है अपनी SPF वाली कोई क्रीम या वाइटनिंग क्रीम। देखें, मैं इसमें डालूँगी फेस लोशन ऑप्टिमल वालों का, जो कि इवन टोन है, ठीक है। ये एक स्किन केयर जो है ना वो क्रीम है ओरिफ्लेम वालों की, ठीक है। आप चाहें इसमें पॉन्ड्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसमें ओरिफ्लेम की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये SPF वाली है, और जो पॉन्ड्स है वो भी SPF वाली है, ताकि आपको जो बीबी क्रीम है उसके साथ मुख्तलिफ क्रीम्स ना लगानी पड़े, और ये आपको सिर्फ एक ही क्रीम के साथ तमाम बेनिफिट्स जो है ना वो मिल जाए। और अगर आप चाहें तो ये ओले का जो है ना मॉइस्चराइज़र के तौर पर नेचुरल वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें यूज़ करूँगी ऑप्टिमल वालों का फेस लोशन। ये देखें, ये ऐसे है, ये SPF वाला, इसमें SPF भी है, SPF 30 है। ये देखें, ये SPF 30 है, और ये जो है ना स्किन लोशन, ये लोशन है, फेस लोशन है, जो कि आपकी स्किन को इवन टोन रखता है। बरसात में जो है ना आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है गर्मी की वजह से, तो उसकी वजह से ना हम ये यूज़ करेंगे। आप कोशिश करें कोई भी ऐसा फेस लोशन या ऐसी क्रीम यूज़ करें जो आपकी स्किन को जो है ना बेनिफिट्स दे, मतलब धूप से बचाए या फिर आपको मॉइस्चराइजिंग अच्छी दे। तो मैं सिर्फ इसमें एक ही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक विटामिन ई का कैप्सूल। अब ये हमारी बेनिफिट बाम है बीबी क्रीम, तो हम इसमें ऐसे प्रोडक्ट्स डालेंगे जो आपकी स्किन की केयर करें। ये मेकअप आपके लिए एक लाइट वेयर हो, और आपकी स्किन को जो है ना वो मुख्तलिफ बेनिफिट्स दे, आपकी स्किन जो है ना वो उसकी टोन है ना वो भी बेहतर हो, और आपको ये जो मेकअप है ना ये लाइट वेयर महसूस हो, ठीक है। ये देखें, अब हम इसमें डालेंगे अपनी कोई भी बेस जो है ना जो आप घर में यूज़ करते हैं, कोई भी जो बेस है, फाउंडेशन है, वो हम यूज़ करते हैं। लिक्विड फाउंडेशन हमने इसमें डालना है एक टी स्पून। ये देखें, जितनी मर्ज़ी आप अपने टोन के लिहाज से जो है ना वो फाउंडेशन बना लें, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसमें जो है ना वो फाउंडेशन यूज़ किया है। अब हम इसमें डालना है कम्पैक्ट पाउडर। ये कोई भी जो है ना पाउडर, कम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं इसका इस कंपनी का यूज़ करती हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कम्पैक्ट पाउडर है ना, उसको अच्छी तरह क्रश करके इसमें डालेंगे। आपने अपने कलर टोन का जो है ना वो हिसाब रखना है, ताकि आपके कलर के मुताबिक बने, जैसा आपका कलर टोन है ना वैसे ही ये बने। तो बरसात का मौसम है और आपने इसे डेली यूज़ के लिए यूज़ करना है, तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर इतना एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र जो है ना वो नहीं डालना, ताकि आपको चिकना लुक ना दे, ठीक है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे लूज़ पाउडर। ये देखें, ये कोई सा भी पाउडर है जो हम यूज़ करते हैं घर में, टेलकम पाउडर भी जिसे कहते हैं, थोड़ा सा वो डालेंगे, ताकि ये ना मैट लुक दे आपको। आप बेस का जो शेड है ना वो अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर अब आप चाहते हैं कि आपकी स्किन में थोड़ा सा ग्लो भी आए इसको यूज़ करके, तो ये देखें, मेरे पास ये एक जो है ना हाइलाइटर है, इसको हम थोड़ा सा क्रश करके बस थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे, ताकि ये आपको एलुमिनेशन भी दे, ताकि थोड़ा सा ना शाइन भी रहे। ये देखें, बस इतना सा। अब हम इसको बीबी क्रीम जो है ना वो रेडी है। इसमें तमाम वो चीज़ें डाली हैं जो आपकी स्किन के लिए जो है ना वो केयर का काम करते हैं। इसमें हमने विटामिन ई का लोशन डाला है, इसमें मॉइस्चराइज़र भी डाला है, SPF वाली क्रीम हमने यूज़ किया, और एलोवेरा डाला है, ताकि ये सारी जो क्रीम है ना ये आपके लिए, आपकी स्किन के लिए जो है ना वो एक केयर रूटीन बन जाए। केयर रूटीन में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको लगा के दिखाऊँगी।
ये कैसी रखती है। अब आप चाहें तो इसमें इसकी मिकदार जो है ना फाउंडेशन की, वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो अपनी स्किन के मुताबिक आपने इसको यूज़ करना है। ये देखिए, ये मेरे स्किन के मुताबिक है क्योंकि मुझे बिल्कुल नेचुरल लुक पसंद है, ताकि जो है ना स्किन पे लगे भी ना कि कुछ लगाया, बस चेहरे पे नीटनेस आए। इसीलिए मैं ये बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ, ताकि मेरी स्किन जो है ना वो उसकी एक जो मेरी रूटीन है ना डे रूटीन में, मैं ये इसको यूज़ करती हूँ। इससे मेरी जो SPF भी लग जाता है, मेरे चेहरे पे मॉइस्चराइज़र भी लग जाता है, और एलोवेरा के बेनिफिट्स भी मुझे मिल जाते हैं, और साथ में जो है ना नीटनेस भी जो है ना मेरे चेहरे पे वो आ जाती है। और दूसरी बात, जो हमने लोशन यूज़ किया ना, वो हमने जो है ना वो SPF वाला यूज़ किया, ठीक है। तो इसके साथ हम इसमें यूज़ करेंगे एक वाइटनिंग क्रीम, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं पॉन्ड्स यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको फेयरनेस जो है ना स्किन फेयर भी करेगा, ये आपको स्किन को फेयर ऐसे नहीं करेगा, मतलब कि डेली रूटीन में आपकी स्किन कलर जो है ना वो ख़राब होता है, तो वो उसको भी साथ मेंटेन करेगा। तो ये वो क्रीम तैयार हो गई है, बीबी क्रीम वो हो गई है, जो आपको आपकी जो डे की रूटीन है ना उसमें ये शामिल हो, अगर आप कर लेंगे तो आपकी जो स्किन है ना वो ख़राब नहीं होगी, मेकअप की वजह से जो है ना वो हार्म नहीं होगी आपकी स्किन में। तो अब मैं आपको दूसरे हाथ पे भी दिखाती हूँ, ये मेरे स्किन के मुताबिक है, मुझे बिल्कुल नेचुरली पसंद है कि नेचुरल कलर लगे इसमें। बाहर मेरे फिंगर्स में और मेरे हैंड में जो है ना वो फ़र्क महसूस कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी जो है ना महसूस नहीं होती कि आपने फेस पे कुछ लगाया, बिल्कुल नेचुरल लुक आता है आपको, और आपको एक SPF क्रीम भी मिल जाती है, आपको मॉइस्चराइज़र भी लग जाता है, एलोवेरा के भी बेनिफिट्स मिलते हैं। सो इवर्स मेरी जो है ना ये बीबी क्रीम ज़रूर ट्राई करें, और मुझे इसके बारे में व्यूज़ दें कि ये आपको कैसी लगी है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोज़ जो इम्प्रूव हो, तो मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। सो व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे आपका ढेर सारा प्यार चाहिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है ना वो लेके आते रहूँ। सो व्यूअर्स, इस बीबी क्रीम को ज़रूर ट्राई करें जो आपने घर में बनाई है। इसमें आप अपने कलर के मुताबिक भी, इससे अपने कलर के मुताबिक भी बना सकते हैं। मार्केट में जो बीबी क्रीम मिलती है वो डिफरेंट शेड्स में नहीं मिलती है, उसके बस एक दो कलर ही होते हैं। सो आप अपने इसे बना के आप अपने कलर के मुताबिक बना सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ क्रीम, जैसे हमने एलोवेरा डाला है, इसमें इसके भी बेनिफिट मिलेगा आपको। तो ये आपकी एक केयर क्रीम बन गई है, ठीक है, बीबी क्रीम, जो आपकी स्किन को मुख्तलिफ प्रोडक्ट की जो है ना वो केयर देगी, और मेकअप के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं ना वो जो है ना इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है व्यूअर्स। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।